नमस्कार, मैं प्रफुल श्रीवास्तव, यूपी न्यूज क्लिक डॉट कॉम से। हम बात करें नगर पंचायत इल्तफातगंज अधिशासी अधिकारी महोदय से। नगर पंचायत में सामुदायिक भोजन संचालन को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है, उस पर हम विस्तार से बात करते हैं। सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को जिनके यहाँ भोजन की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार ने सामुदायिक रसोई की व्यवस्था शुरुआत की है, जो नगर पंचायत में दो अप्रैल से चल रहा है। इसमें पूरी सब्जी और मीठा और दाल चावल की व्यवस्था की जा रही है, और इसमें खाना खिलाते हुए सोशल सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबको एक एक मीटर की दूरी पर बैठा के ही खाना खिलाया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नगर पंचायत में क्या जागरूक व्यवस्था की गई है? सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नगर पंचायत अपने स्तर से मुनादी करा रहा है, प्रचार प्रसार करवा रहा है, और खुद हम लोगों को जाके सजेशन देते हैं कि इस बीमारी से एक ही मात्र उपाय है कि आप दूरी बना कर रखें, सामाजिक दूरी बना कर रखें, उसी में ही इस बीमारी का इलाज है। भोजन वितरण का दोनों समय क्या कोई समय निर्धारित किया है? पहली पाली का सुबह है 9 से 11 बजे तक, जब तक लोग आते हैं तब तक खिलाया जाता है। दूसरी पाली में? दूसरी पाली में 6 बजे शुरू होता है, 10 बजे तक चलता है। वर्तमान में कितने लोग भोजन कर रहे होंगे एक पाली में? शाम के मीटिंग तो 400 के ऊपर 450 तक जाते हैं जी, और सुबह 250, 200, 300 ऐसे। फागिंग तो प्रतिदिन हो रही है, वार्ड वाइज प्रतिदिन फागिंग हो रही है। हमारे यहाँ 11 वार्ड हैं, तो रिवाइज होने में कम से कम एक हफ्ते लग जाते हैं, और सैनिटाइजर भी वार्ड वाइज हो रहा है, रोज़ सैनिटाइजर का काम और रोज़ फागिंग का काम होता है। अब अभी तक मेरे पास हाथ वाली फागिंग थी, तो अब मैं उसकी गाड़ी पर सेट कर दिया हूँ, तो कल से मैं लगभग 2 से 3 वार्ड 4 वार्ड रोज़ फागिंग करूँ। 12 से 5 थी वो नगर पंचायत में दुकानें इस समय वर्तमान समय उसको बदल दिया गया, सुबह से 7 से 10 कर दिया गया है जी, और शाम को 3 से 7 कर दिया गया दुकानें। हाँ, ये क्या नगर पंचायत की तरफ से व्यवस्था की गई है? 10 दिन भर लोग निकलते रहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई कहता है खंडा वाले में जा रहे हैं, कोई कहता है सब्जी में जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक समय निर्धारित किया गया है, 7 से 10 सुबह और 3 से 7 शाम को, इससे लोग कम निकले सड़क पर, इसलिए ऐसा किया गया। भोजन और फाकिंग को लेकर हम बात किए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बात किए, और कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। मैं नगरवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे पूरा विश्व परेशान है, और पूरे विश्व के जितने भी विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, सबका यही एक मत राय है, इसका एक ही मात्र उपाय है, आप सामाजिक दूरी बना के रखें। अगर इस बीमारी से बचना है, आपको घर में रहना है और एक दूसरे से दूरी बना के रखना है। अगर हम ऐसा करने में सफल हो गए, इस बीमारी को हम जल्द से जल्द। भोजन को लेकर करीब पहली पाली में 400 लोग काम कर रहे हैं, भोजन वितरण में भोजन कर रहे हैं, दोनों पालियों में 400-400 लोगों का दावा है अधिशासी अधिकारी महोदय का। यूपी न्यूज क्लिक डॉट कॉम से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर ब्यूरो।